संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर की स्वच्छता रैंकिंग की हुई पड़ताल, 3 चरणों के बाद आएगा परिणाम। लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया बैठक, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। गुरुवार को 7 लोगों ने खरीदा पर्चा, लेकिन नहीं हुआ कोई नामांकन, व्यवस्था रही चुस्त दुरुस्त। एएसपी चारू निगम का हुआ एसपी रैंक पर प्रमोशन, किया खुशी का इजहार। जीएसटी में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा ज्ञापन। पीपीगंज रेलवे स्टेशन के पास एक युवक के साथ जहर खुरानी कर 4 अज्ञात लोग ले उड़े 40,000 नगद के साथ एक स्मार्टफोन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का हुआ गठन, सौंपी गई जिम्मेदारियां। शहर में जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कसी कमर। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एनएसएस ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। आशा बहुओं का हुआ मासिक बैठक, जिले के पदाधिकारियों के चयन पर हुई चर्चा। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के बैनामेदार आवंटियों को प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को कब्जा देगा जीडीए। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत बीएसएनएल ने रेलवे को 25 रन से और सीएजी ने दबंग को 5 विकेट से हराया।